और साले अदनाम शेख फटफटे। हाँ तू के कह रहा था कि मेरे टक्कर कोई दिल्ली गुड़गांव में कोई भी ना है। साले तेरा बहम है, और इंसान को बहम ना पालना चाहिए। बहम इंसान के लिए बहुत घातक पड़ जावे कभी कभी, ठीक है। और तू बहुत धमकी दे रहा है पब्लिक को, ठीक है भाई। तुम्हारा बाल भी ना पढ़ पाएगा, ठीक है ना। बेटा कितने बड़ा हो जाए, आखिर बाप होवे तो हम तेरा बाप आ और बाप ही रहवांगा, ठीक है। और साले तू अपने आप को बहन से बहुत वो समझा के, हाँ भाई अम्मी या बहन से हमसे बढ़िया कोई है ही ना दुनिया में। एक रोता तू ही बनाया है भगवान ने भाई, वो तो सारा चूतिया ही है ना। साले बहन पालना सेहत के लिए सही ना रहे, ठीक है। और तू बहुत कह रहा था कि हाँ कि 2015-16 में भाई टिकटॉक पे भाई हम बहुत छा रहा था हमारे जैसी रील भाई, किसी की ना आया आज तक, हमने तो कभी इंस्टाग्राम पे ना देखी। साले बहम पालना बहुत बेकार रहे वे। तो एक बार भाई अपनी आईडी भी चेक कर ले भाई, भूपेंद्र सिंह 40 ये अपनी आईडी है भाई, ठीक है। जब तेरा बहम हो जब आ जाइए तू रील में आ जाइए, बस तेरा बहम ताड़ दांगा। और तू कह रहा कि भाई हमारे जैसी रील कोई ना बना सके, हमने देखी ना है, तो एक बार हमारी भी चेक कर लिए, ठीक है। देखेगा तो फट के आत्मा आ जाएगी जिंदगी में ना देखी होगी तने, ठीक है। वो तू सारे चूजा है चूजा, जो ऊपर तू उछलता है, ठीक है। वो तू टक्कर ले रहा हरियाणा वालों की। सारे इलविश चल कैसा भी है भाई, अपनी इतनी जानकारी ना है इलविश यादव से, ठीक है। लेकिन भाई उसी बंदे ने अपने दम पे किया है जो किया, तेरी तरह बहन किसी का सहारा नहीं लिया और अब भी अपने दम पे कर रहा है वो, ठीक है। तेरा बस के तू करके दिखा। तू साले 7 दिन तो टिक ना पाया बिग बॉस के अंदर, और आके तू बाहर हवाबाजी कर रहा है। तने मीटिंग बैठाई, मीटिंग में क्या हुआ, करवा ली अपनी झंड, के बोला हाँ पब्लिक के बोली ना, तो बता दे भाई। और पब्लिक का ना पता, हमने तो पता है के बोली पब्लिक। तू इनविस का बेटा है, ठीक है, ये बात बोली पब्लिका ने। और सारे तू बहन तो बदमाशी कर रहा है, तू हमारा हरियाणा वालों की बदमाशी कर रहा है। तो भाई अपा भी वही प्रॉपर रेवाड़ी से भाई, ठीक है, उत्तम नगर भाई रेवाड़ी से। जब तेरा बहम हो भूपेंद्र नाम है, ठीक है, जब तेरा बहम हो जब भेट लिए, ठीक है। और तेरा बहम भी तार दांगा जो तेरा बहम पाल रखा है ना। मैं तो सच बताऊं यार भाई, ना तो ना ब्लॉग बनाना आवे कि भाई ब्लॉग किस मैटर पे तू तो ब्लॉग बना रहा है, किस मैटर पे तू तो बना नहीं रहा है, ना तेरे साले रील बढ़िया तू है। और तू भाई वह बॉडी दिखा तो रोला भाई, के साबित कर रो तू पब्लिक आने भाई के इस दुनिया में तेरा ही शरीर बहुत बढ़िया है कि भाई, ठीक है। और तेरी एक कहावत ना सुनी होगी, पतला सा छोरा आएगा तेरे पिछवाड़े पे 4 बजा के जाएगा, ठीक है, समझ जा रहा। तो भाई हमारा भी शरीर थोड़ा ऐसा ही है, ठीक है, इसलिए थोड़ी हल्के मत ले लिए, ठीक है। बहम भी दूर करना हो फिर हमने रील की बोले कि हमारे जैसी कोई रील ना बना सके। तो भाई हरियाणा वाला भाई बहुत बढ़िया छा रहा है, बहुत भगवान की दुआ से सब ने बढ़िया सिस्टम कर रखा है, ठीक है। और हमने तेरी रील देख ली, हमने सब कुछ चला लिया, टिकटॉक पर हमने भी रील बनाई, ठीक है। लेकिन हमने भाई छोड़ दिया बीच में जब बंद हुआ टिकटॉक, उसके बाद मेहनत करी ना हमने। हम गलत लाइन में पड़ गा, तुम भाई अच्छी लाइन में पड़ गा, ठीक है। इसीलिए भाई हमसे दूर रहे तो बढ़िया है भाई, तुम्हारे सेहत के लिए सही रहेगा भाई, ठीक है। नहीं तो भाई सिस्टम बजाने भाई टाइम ना लगाऊंगा, बिल्कुल भी ना लगाऊंगा, ठीक है। और समझ ले जिस दिन मैं होगा कामयाब, तो बस सोच लिए तू जो ये धमकी दे रहा है ना, मुंबई आ जा, मुंबई आ जा, तेरे मुंबई में तेरे घर में घुस जाऊंगा साले, ठीक है। और तू तो कुछ ना कर पाएगा, फट के हाथ में आ जाएगी तेरी, ठीक है। इसलिए बदमाशी ना ही दिखा तो बढ़िया है भाई हमारे सामने, तो खास कर तेरा बोलना है उसको बोल, कुछ भी बोला एलवी से यादव को अपने मतलब ना है। लेकिन भाई हमसे बात आएगी, हम पे आएगी, तो भाई फिर हम ना सुना किसी की, ठीक। वो सही है तेरी किस्मत भाई, देवाड़ी वाला से तू बोल मत जाइए, नहीं तेने घसीट घसीट का मारेगा तेरे मुंबई से ठाल आएगा यहीं पे ही। कोई मिला ना है तेना भी ढंग का, जो छाती दिखावा ना तो एक घुसन बंदर कर दे वो कोई, ठीक है। तो सोशल मीडिया बदमाशी मत दिखा, तेने सुलट ना है तो आपस में सुलट, तो साले रील बनावा, ठीक है, तो धमकी देवा सोशल मीडिया यूट्यूब पे, ठीक है। तेरा बस के साला आमने सामने जाके लड़ना उससे, साला जो बदमाश होगा ना वो बोलेगा नहीं कभी जिंदगी में, वो करके चल जाएगा।
ठीक है, इसलिए तेरे बस की ना कुछ भी, तू सिर्फ चूज जाए चूज जा, और हमारे सामने तो चूज जा ही रहेगा, ठीक है। तो साले हमारे वो भी कभी जिंदगी में ना कर सका।